इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। स्वागत से हम सम्मान करते हैं। कोई आया, मुस्कुराकर आपने उनको स्वागत किया, अरे प्रसन्न भाई, सौभाग्यम सौभाग्यम, प्रणाम वंदन हुआ, आशीर्वाद दिया है गुरुदेव ने, योगी राज जनक ने कुशल क्षेम सुनाई श्री चरण में। राम लक्ष्मण प्रभु गए थे दर्शन करने वाटिका, बाग बगीची आ गए, आते ही सबने सम्मान किया, आदर किया, हा जय हो आए। जनकराज महाराज का आकर्षण हो गया, किसका, उनके मन का, देखे तो देखते ही रह गए, पूछ बैठे, हे ऋषिवर, ये दोनों बालक कौन हैं, राजपुत्र हैं कि ऋषि पुत्र हैं, मेरे मन को सहज वैराग्य की अवस्था प्राप्त है, लेकिन आज मेरा मन इनमें रम गया, इन्हीं बिलोकत अति अनुराग, बरबस ब्रह्म सुख ही मन चाहिए, बताइए ना, जगदीश ही तो नहीं तो स्वरूप में आ गया है, सब में मन नहीं लगता हो, सब में मन नहीं लगता, सब जगह मन नहीं लगता, सबसे मन नहीं लगता, ये किसी किसी से लगता है, किसी किसी में लगता है, किसी किसी स्थान पे लगता है, आज हम लोग विद्धु जी का एक पद स्मरण कर रहे थे, दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा, कल सुनाऊंगा आपको, तभी तो कल आ पाएंगे, आज नहीं सुनाएंगे, बहुत प्यारा पद है, है? कल सुनाएंगे, आज आज क्यों सुनाएं, कल सुनाएंगे, आज बहुत पद है, कल सुनाएं, कल बुधवार है ना, कल सुनाएंगे, कल बुधवार है, जय हो, बड़ा आनंद है, आनंद में रहा करो, हाँ आनंद में रहा करो, एक भाई को मैंने कह दिया आनंद में रहा करो, बोलो पीठ में दर्द है कैसे आनंद में रहे, हमने कहा दिल में नहीं रहे, ये तो शरीर है, शरीरम व्याधि मंदिरम, किसी के गांठ में दर्द है, किसी के में कांख में दर्द है, किसी के सिर में दर्द है, और कोई सबके लिए सर दर्द है, तो क्या करना, ये तो जहां है लगा ही रहेगा। ये कथा हम क्यों पूज्य बाबू जी के आग्रह पर दिए हैं, इसकी सूचना हम आपको रविवार को देंगे या शनिवार को देंगे, ये बाबू जी का हमारे पर अनुग्रह है, उन्होंने कहा मुझे कथा सुना दो, मैंने कथा दे दिया, चर्चा होगी, ये उनका प्यार है। अभी घनश्याम भैया से मैंने कहा कि अगले बार तो न हुई, बोले बाबू जी कहें कि जब तक रहब तब तक हुई, भाई बाबू जी भी लीला करते, मैं दिल्ली में कथा दे नहीं पाता हूँ, क्योंकि 31 जनवरी से ऑलरेडी मैंने कथा दे रखी है शालीमार को, तो राघव की कृपा है, सुन रहे हैं हम आप, आइए, स्वागत भैया, ऐसा आनंद हो क्या कहना। विश्वामित्र बाबा ने छिपा लिया, कहा अयोध्या नरेश चक्रवर्ती महाराज के पुत्र हैं राम लक्ष्मण, यज्ञ रक्षार्थ में लाया था, यज्ञ रक्षा किए, ताड़का को मार दिए, अहल्या जी का उद्धार कर दिए, और मैं पता चला है आपके यहाँ धनुष यज्ञ में है, तो उसका दर्शन कराने इनको भी ले आए, आहा महाराज चक्रवर्ती जी के पुत्रों के साथ आप आए, आप श्रेष्ठ निवास में वास करें। देखिए
निवास कैसा देना चाहिए, जैसा आने वाला हो। तस पूजा चाहिए जस देवता, जैसा देव हो वैसी उसकी पूजा करनी चाहिए। शनि महाराज का तेल से, लेकिन गणेश महाराज का तेल से नहीं। गणेश महाराज की पूजा, अरे फूल चढ़े, पान चढ़े, फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुन का भोग लगे संत करें। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश। माता जाकी पार्वती पिता, जो जैसा देव हो उसका ऐसा सम्मान। सुंदर सदन जहां मेरी माँ का दिव्य वास स्थल था वहां निवास दिया गया। भोजन की व्यवस्था हुई, भोजन विश्राम संध्या वेला में सत्संग होने लगा। बच्चे सत्संग में बहुत देर नहीं बैठ सकते, एक घंटा आध घंटा, उसके बाद छोड़ो, खेलने दो, खाने दो, आने दो, फिर बैठ जाएंगे, फिर खेलेंगे, फिर बैठ जाएंगे। सत्संग में बैठाइए, घर में भी बैठाइए तो पकड़ के ना बैठाइए, उनको खेलने कूदने दीजिए, फिर आके बैठ गए, फिर खेलने कूदने दीजिए। बांध के सत्संग किसी को मत सुनाइए, कान में पढ़ते पढ़ते सत्संग का स्वभाव बन जाएगा। हाँ, घर का, परिवार का, आश्रम का व्यवहार सत्संगी होना चाहिए। जब विहार और व्यवहार एक जैसा होगा कोई असुविधा नहीं होगी। बोलते हैं सब मंत्र बोलते हैं, बच्चे बैठ के याद नहीं करते। आप गाते रहेंगे बच्चे याद कर लेंगे, आप गाने गाएंगे बच्चे गाने गाएंगे, आप चौपाई गाएंगे बच्चे चौपाई गाएंगे, उनको तो ऐसे ही कंठ हो जाता है। देखिए लक्ष्मण जी को इधर उधर देखिए तो भगवान समझ गए कि लक्ष्मण जी का मन अब सत्संग में नहीं लग रहा। गुरुदेव भगवान से निवेदन किए, सरकार नाथ लक्ष्मण जी पूरी देखना चाहते हैं, आज्ञा हो तो मैं दिखा लाऊं। गुरुदेव ने आज्ञा दे दिया, जाय देखिया वहु नगर सुख निधान दो भाई, करहु सुफल सबके नयन सुंदर। भगवान देखने गए, गुरुदेव को प्रणाम करके भैया जी के संग में मित्र लोग साथ लग लिए, नगर दर्शन कराने लगे, और सखियां आठों सखियों ने जब देखा अपना अपना भाव समर्पित किए। गुरुदेव भगवान कहते हैं, सखियां पुष्प वृष्टि करके कहती हैं, हिय हरषहि बरसहि सुमन सुमुखि सुलोचनि बृंद, जाय है जहां जहां बंधु धो तहां तहां परमानंद। भगवान जहां जाते हैं वहां आनंद नहीं परम आनंद आता है। जहां जाइए तो वहां आनंद मना दीजिए। कष्ट न बढ़ाइए, भक्त का ऐसा स्वभाव हो जहां जाए आनंद लाए। स्वभाव हो हमारा आनंद हो रहा। भगवान दर्शन देकर भैया जी के साथ में मक्षशाले का दर्शन पाए, गुरु शरण में आए, संध्या वंदन की आज्ञा हुई। संध्या वंदनोपरांत भोजन बयारो आरती के बाद हुआ, गुरुदेव भोजनोपरांत शयन करने गए। मुनिवर शयन की नितब जाई लगे चरण चापन दो भाई, बार बार मुनि अज्ञानी रघुबर जाय शयन तब की। भगवान सोने गए, लक्ष्मण भैया प्रभु के चरण सेवा करने लगे। प्रभु ने आज्ञा दी, लक्ष्मण जी महाराज चरण को हृदय पर पधरा कर और वहीं ढोड़क गए। पौढ़े धरि उर पद चले जा, प्रातःकाल मुर्गे ने आवाज दी, लक्ष्मण भैया उठे। उठे लखन निसि बिगत सुनि अरुण शिखा धुनि कान, गुरु ते पहले ही जगत पति जगे राम।
सकल शौच कर जाय नहाय, नित्य निवाह मुनि सिर नहाय। प्रातर विधि से निवृत्त होकर गुरुदेव भगवान को प्रणाम करने गए। गुरुदेव भगवान पूजन करेंगे, एतदर्थ पुष्प दल बिल्व पत्र आदि लेने के हेतु प्रभु पुष्प वाटिका पधारे। इसी दिव्य वाटिका में भगवान ने माँ का दर्शन किया, माँ ने प्रभु का दर्शन किया। कब किया? प्रातर वेला में किया। प्रातःकाल जगकर थोड़ा भगवान का चिंतन करना चाहिए। दिन भर की चिंता समाप्त करनी हो ना तो थोड़ा चिंतन भगवान का अवश्य करना चाहिए। कब? प्रातःकाल। प्रातःकाल का वातावरण बड़ा मधुर होता है, सहज होता है, प्रकृति भी शांत होती है। चार घंटे पढ़ाई रात में करो और एक घंटे पढ़ाई भोर में करो, बराबर हिसाब होता है। भोर की पढ़ाई आपने देखा होगा, बेटी का मंगल हो इसलिए गांव में आज भी बेटी की विदा भोर में होती है, 2 बजे नहीं होती। भोर वेला मिलने की वेला है। ऋतुओं का परिवर्तन भी बड़ा मधुर हो जाता है भोर वेला। भोर में सब शांत रहता है। हम श्रीपाद गौशाले गए थे ना वृंदावन, तो हमने कहा महाराज श्री कल कब दर्शन होगा, तो महाराज जी बोले कि 5 बजे आ जाना। लेकिन 5 बजे क्यों? बोले 4 बजे गौ माताएं भोजन कर लेती हैं, फिर सब आपको बैठे मिलेंगे गौशाले में। प्यारे 3,500 गौ माताएं हैं। सत्कर्म अवश्य कर, केवल सत्कर्म, अपकर्म के पास नहीं जाना है। देखिए ना, भोर में भगवान गए पुष्प दल बेल पत्र लेने के लिए और माँ का दर्शन हो गया। ब्रह्म दर्शन, शक्ति दर्शन, भगवत दर्शन ब्रह्म वेला में होता है। आजकल तो लोग भोर में सोते हैं तो फिर भोर में दर्शन कैसे होगा? बहुत लोगों ने तो सूर्योदय दर्शन किया होगा, साल हो गए होंगे, कह दो तो बुरा मान जाते हैं। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।